नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महाराष्ट्र या फिर कहें कि मुंबई में कंगना और शिवसेना के बीच खुली जंग चल रही है। इस मसले पर सोशल मीडिया पे खूब सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अब ये मामला राम की नगरी में भी पहुंच गया है, जहां साधु संतों ने इस मसले को लेकर अपनी राय दी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रुख पर नाराजगी जताई है। साधु संतों ने अयोध्या में उद्धव के प्रवेश पर रोक लगा दी है और आने पर विरोध की बात कही है। उद्धव ठाकरे आज नया घर जीता है, कल तेरा संबंध जीतेगा। हम लोग एक पथ होकर एक साथ विरोध करते। सुशांत सिंह की मौत, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार, रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन, टीएमसी की कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़, उद्धव ठाकरे और कंगना के बीच खुली जंग, इन सब का भला अयोध्या से क्या ताल्लुक हो सकता है? लेकिन नहीं, अब सीधा ताल्लुक है और ये ताल्लुक है विरोध का, सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, जिनके अयोध्या में घुसने पर घोषित पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अयोध्या के साधु संतों ने लगाई है। साधु संतों ने ऐलान किया है कि अगर इसके बावजूद उद्धव ठाकरे अयोध्या में दाखिल होने की हिम्मत करते हैं तो फिर उनका विरोध किया जाएगा। ये बात आपको कितना चौंका रही है नहीं पता, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ साधु संतों का ये ऐलान सियासी नहीं लेकिन जज्बाती जरूर है। संतों के इस विरोध को शिवसेना किस नजरिए से देखने वाली है ये भी नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि लंबे अरसे तक हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली शिवसेना के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अयोध्या से आध्यात्मिक लगाव और हिंदुत्व का हिमायती होने के साथ ही राम मंदिर का सहारा शिवसेना ने भी अपनी सियासत के लिए लिया है। खासकर तब ज्यादा लिया है जब उसे महाराष्ट्र की सियासत से आगे अपने विस्तार के लिए सोचना पड़ा है। अयोध्या का शिवसेना से रिश्ता बाला साहब ठाकरे के समय से ही था। यह रिश्ता ऐसा था कि शिवसेना और बाला साहब दोनों अयोध्या और साधु संतों के लिए सम्माननीय थे, लेकिन बदले सियासी समीकरण और हाल के दिनों में शिवसेना नेताओं के साथ सरकार के फैसलों ने रिश्तों की इस परिभाषा को नए सिरे से लिख दिया है। हालांकि सुशांत और कंगना के मुद्दे से पहले भी पालघर में हुई साधुओं की हत्या का मुद्दा ऐसा है जिसे साधु संत समाज भूलने को तैयार नहीं है। लगातार उनका प्रयास है कि हिंदू जनमानस को नीचा दिखाने के लिए कुछ कुछ करते रहना। महाराष्ट्र देखिए, संतों की हत्या हुई, उस पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हम अयोध्या से आह्वान करते हैं कि साधु संत और हिंदू जनमानस एकत्रित होकर एक साथ एक स्वर में अगर शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनको अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। संतों के द्वारा साधु संत के साथ हम लोग एक मत होकर एक साथ होकर उनका विरोध करते हैं। तो एक तरफ जहां साधु संतों के लिए पालघर में साधुओं की हत्या और उस पर शिवसेना सरकार की उपेक्षा और अनदेखी का आरोप बड़ा मुद्दा है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर उसकी साझेदार रही विश्व हिंदू परिषद के लिए कंगना रनौत के साथ सरकार की ज्यादती एक बड़ा मुद्दा है। विहिप का मानना है कि कंगना के मामले में शिवसेना सरकार के एक्शन ने उद्धव सरकार का असली चेहरा सामने रख दिया है, लिहाजा वो विरोध के मुद्दे पर अयोध्या के साधु संतों के साथ खड़ी है। आप शब्दों में यही कहूंगा कि कंगना रनौत के ऑफिस पर, कार्यालय पर जिस प्रकार से बुलडोजर चला वह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज जो है अयोध्या में साधु संत इसके विरुद्ध हैं, देश का साधु जो करोड़ों एक उनकी एक प्रशंसक जो हैं कंगना रनौत के, वो भी विरोध में हैं। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुत्ववादी चेहरा अपना प्रदर्शन किया था उद्धव ठाकरे ने, वह कहीं ना कहीं जो है समाज के सामने आ गया है। चेहरा जो मुखौटा कुछ और था,
और वह मुखौटा उतर गया है। तो साधु संतों के विचारों पर का जो है हम समर्थन करते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की चुनौतियों को साधु संतों ने नया आयाम दे दिया है। कहीं न कहीं ये पूरा मसला राजनीतिक समीकरणों से अलग अब व्यक्तिगत समीकरणों पर सिमटता जा रहा है और इस मसले पर शिवसेना खासकर उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो सवाल सिर्फ